बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनी और एनडीए की सरकार बनते ही सियासत में यानी बिहार की सियासत में कई तरह के मोड़ नजर आने लगे। आपको बताते चले कि संस्थापक सदस्य भाजपा एवं पूर्व सांसद राज्यसभा आरके सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि तोड़फोड़ की राजनीति की बात छोड़कर सकारात्मक कामों में जुटे विपक्ष, यानी उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को कहा है, यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे उन्होंने डायरेक्ट निशाना साधा है। आपको बताएं कि उन्होंने कहा है कि तोड़फोड़ की राजनीति की बात छोड़कर सकारात्मक कामों में जुटे विपक्ष, वरना तोड़फोड़ करने में तो सभी सक्षम है। आपको बताएं कि ये पूर्व सांसद राज्यसभा आरके सिन्हा ने कहा है और क्या कुछ इन्होंने कहा है, आइए देखते हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता माननीय ललन सिंह जी ने ये बिल्कुल सही कहा है कि राजद को और कई माने में कांग्रेस को भी विधवा विलाप छोड़कर और एक सक्रिय, सशक्त और सार्थक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। 5 वर्ष तो उनको इंतजार करना ही पड़ेगा, वो आगे की तैयारी करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो ये कहते हैं कि हम तोड़फोड़ कर देंगे, हम जदयू में ये कर देंगे, भाजपा में ये कर देंगे। अरे भाई, माननीय लालू प्रसाद जी हैं, शिवानंद तिवारी हैं, वशिष्ठ दादा हैं, नीतीश जी हैं, सब तो हम सब जेपी आंदोलन के साथी हैं। हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं, व्यक्तिगत संबंध भी हैं। तो वो अगर करेंगे तोड़फोड़ तो क्या हम सक्षम नहीं हैं? लेकिन हम उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए।